12 और 13 जनवरी को चंपा देवी पार्क में आयोजित दो दिवसीय गोरखपुर महोत्सव में सांस्कृतिक और साहित्यिक जुगलबंदी देखने को मिलेगी। 11 से 12 जनवरी तक महोत्सव में क्षेत्रीय कलाकार जलवा बिखेरेंगे और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। महोत्सव में पुस्तक मेला, विज्ञान मेला, कृषि मेला, सरस मेला, फोटो प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र बनेंगे। रामगढ़ ताल के समीप चंपा देवी पार्क में आयोजित महोत्सव का उद्घाटन प्रदेश के पर्यटन मंत्री करेंगे और समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। यह जानकारी बुधवार को मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर और जिला अधिकारी के विजय पांडियन ने एनएक्सी भवन के सभागार में पत्रकारों से रूबरू होते हुए दी। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा कि उद्घाटन के अवसर पर लखनऊ की कलाकार सुश्री आस्था द्वारा गणेश वंदना एवं नृत्य नाटिका प्रस्तुत की जाएगी। इसके अलावा विवाह संस्कार गीत की प्रस्तुति की जाएगी। तत्पश्चात घूमर परिहारी नृत्य हरियाणवी की भी प्रस्तुति की जाएगी। समापन के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में गोरखपुर गौरव सम्मान समारोह, स्मारिका का विमोचन, किशोर चतुर्वेदी एवं स्वाति लखनऊ द्वारा भजन कार्यक्रम सहित लोक नृत्य की प्रस्तुति भी की जाएगी। मंडलायुक्त ने बताया कि गोरखपुर महोत्सव के अंतर्गत समस्त सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन रामगढ़ ताल स्थित चंपा देवी पार्क में किया जाएगा। मंडलायुक्त ने बताया कि 12 से 16 जनवरी तक कृषि प्रदर्शनी, मंजलीय सरस मेला, उज्जैन मेला, विज्ञान प्रदर्शनी सहित विभिन्न प्रदर्शनी, पुस्तक मेले, फूड जोन इत्यादि का आयोजन चंपा देवी पार्क में किया जाएगा। 12 जनवरी को ही सांसद रवि किशन द्वारा कविता पाठ एवं सरकार की योजनाओं पर आधारित कार्यक्रम की प्रस्तुति की जाएगी। इसके अलावा खेलकूद प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया है। मंडलायुक्त ने बताया कि साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महंत दिग्विजयनाथ पार्क में पर्यटकों के मनोरंजन के लिए हॉट एयर बैलूनिंग का भी आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने कहा कि दो दिवसीय गोरखपुर महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिससे गोरखपुर वासियों को भरपूर मनोरंजन और साहित्यिक जानकारी उपलब्ध हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर तथा जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने कहा, जो भी सूचनाएं गोरखपुर महोत्सव से संबंधित हैं वेबसाइट पे ही पहले से ही प्रदर्शित रहेगी। आप उसको देखते रहें बीच बीच में, और जो भी कार्यक्रम होते रहेंगे वो भी वेबसाइट पर लाइव रहेंगे, क्लिपिंग्स भी रहेंगी वेबसाइट हमारी। इतनी इस बार हम लोग इच्छा जाहिर किए उस पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। तो खास तौर पर हरियाणवी और यहाँ का जो उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत का जो कितने कलाकार लोग हैं उन्हीं लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे। ये पहले बार गोरखपुर महोत्सव में हो रहा है, ये बड़ा उत्सव है। उसके अलावा फिर डांस शो रहेगा, फिर बच्चे का आकर्षित करने के लिए पेंटिंग है, उसी मंच को भी आपके सामने ला रहे हैं, ये भी अभी है हमें लाना है, उसकी शुरुआत है एक तरफ से। इसी के लिए जो यहाँ इसी जगह हम लोग सेलेक्ट किए ताकि आगे भी हम लोग लगातार इसी क्षेत्र पे कंसेंट करेंगे, कहाँ रामगढ़ ताल से सटा हुआ क्षेत्र है। लेकिन इस पर और भी परियोजनाएं अभी तो इसी साल वित्तीय वर्ष का अंदर ही आपको तमाम उपलब्धियाँ मिलने वाले हैं। वैसे आपका चिड़ियाघर मिलेगा और यहाँ का बड़ा आपका प्रदर्शनी हाल है 2000 लोग को, वो भी तैयार हो गया है, वो भी मिलेगा। इसी दिन में एक लाइन में बहुत सारे आपका योजना आपका लोकार्पण होगा। वैसे वाटर स्पोर्ट्स क्लब, वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वो भी बन गया है। तमाम उपलब्धियाँ इस साल के अंदर मिलेगा, इसलिए तो अभी एक तरफ से शुरुआत है। इस साल और भी अनेक कार्यक्रम इसी क्षेत्र पर। गोरखपुर महोत्सव 2021 का आयोजन 12 और 13 जनवरी को हम कर रहे हैं, और इस बार का प्रयास ये है कि हमारा जो रामगढ़ ताल का परिक्षेत्र है हम उस एरिया पर अपना फोकस करें और वहीं पर हमने सारी एक्टिविटीज़ करने का प्रयास किया है। जैसा कि आपको विदित है, गोरखपुर जनपद ही नहीं अपितु प्रदेश, देश और पूरा विश्व कोविड पैंडेमिक से अभी भी जूझ रहा है। सरकार की तरफ से प्रयासरत हैं और कोविड वैक्सीनेशन अति शीघ्र आरंभ किया जाना है, किंतु हमारा प्रयास प्रत्येक क्रियाकलाप में कोविड
संक्रमण से बचाव हेतु जो निर्देश हैं उनका अनुपालन सुनिश्चित कराना रहेगा। और इसलिए ये महोत्सव भी बड़ी गंभीरता के साथ उन समस्त निर्देशों के अधीन ही होगा। प्रयास ये है कि महोत्सव को 3 दिन से 2 दिन किया गया है, जिससे कि हम थोड़ा सा अपनी एक्टिविटीज़ को सीमित करें, किंतु उसके साथ साथ हम स्थानीय कलाकारों को मंच दें, जो कुछ ज्ञानवर्धन हो सकता है हम उसको भी करें, पर्यटन हो, स्वास्थ्य हो, रेडीमेड गारमेंट्स हो, उन सभी की ओर हम लोगों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करें। एक विकास की गंगा का जो प्रवाह इस ओर हो रहा है उसके बारे में भी लोगों को बताएं, और क्या क्या चीज़ें आगामी 1 वर्ष में हम लाने वाले हैं उसके बारे में भी सूचित करने का प्रयास करें। यदि हम प्रोग्राम में जाएं तो हम 12 तारीख को उद्घाटन हम लोगों ने प्रस्तावित किया है, और माननीय पर्यटन मंत्री उत्तर प्रदेश शासन का आगमन अपेक्षित है, और उसके साथ साथ एक सांस्कृतिक झांकी इस क्षेत्र की, पूर्वांचल की आपको मिलेगी। हमारा जो चंपा देवी पार्क है उसमें ये सारी गतिविधियाँ की जानी है। हमारा प्रयास रहेगा कि उस पार्क में हम जो हमारे मेले हैं, प्रमुखतया कृषि मेला, सरस मेला, विभिन्न विभागों की योजनाओं संबंधी प्रदर्शनी, पुस्तक मेला इत्यादि का हम वहाँ पर मंचन करें, उसकी एक झांकी आपको प्रस्तुत करें। उसके साथ साथ महंत दिग्विजयनाथ पार्क में भी हमारा हॉट एयर बैलून और विज्ञान प्रदर्शनी, पूर्वांचल के महापुरुषों से संबंधित, जो पूर्वांचल के हमारे महापुरुष हुए हैं उनके बारे में भी बहुत बताना आवश्यक है, और उसकी भी एक प्रदर्शनी हम चंपा देवी पार्क में लगाएंगे। इसके साथ साथ स्वामी विवेकानंद जी और बाबा गोरखनाथ जी संबंधी जो हम प्रत्येक वर्ष एक मोबाइल प्रदर्शनी करते हैं उसका भी हम प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ एक कवि सम्मेलन का आयोजन और खादी को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि स्वदेशी पर और लोकल इज वोकल, आत्मनिर्भर भारत एक थीम है जिसको हम और ज़ोर से यहाँ लाना चाहते हैं, उसके अंतर्गत हम खादी फैशन शो का भी आयोजन करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको विदित है चौरी चौरा की घटना 4 और 5 फरवरी 1922 में हुई थी, और ये हम सभी के लिए एक अवसर है कि हम चौरी चौरा को एक शताब्दी वर्ष का आयोजन करते हुए राष्ट्र मंच पर प्रस्तुत करें, और इसलिए चौरी चौरा की घटना का जो योगदान है स्वतंत्रता संग्राम को अहिंसात्मक करने में, अहिंसा की तरफ ले जाने के लिए, और पूरे राष्ट्र को उस समय आज से 100 साल पहले एक कड़ी में बांधने के लिए जो चौरी चौरा का योगदान है उसको हम श्रद्धांजलि अर्पित करने का प्रयास करेंगे, और इसलिए एक अलग समिति चौरी चौरा की घटना का मंचन भी प्रस्तुत करेगी। तो ये कुछ मुख्य प्रोग्राम हैं जो होंगे। जैसा कि आपको विदित है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में ये सारा आयोजन होता है, और उनके आशीर्वाद से हम प्रयास करेंगे कि पूरी समिति हम लोग प्रयास करेंगे कि एक अच्छा आयोजन, कोविड संक्रमण से बचाव हेतु जितने नीति निर्देश हैं उनको पालन करते हुए हम करें। प्रयास ये भी होगा कि गोरखपुर इस क्षेत्र से कई लोगों ने, कई विभूतियों ने विभिन्न क्षेत्रों में गोरखपुर का नाम रोशन किया है, और उनको हम गोरखपुर गौरव से सम्मानित करने का प्रयास भी करेंगे। समापन समारोह माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में चंपा देवी पार्क में किया जाना प्रस्तावित है, वो लगभग 3 बजे होगा, दोपहर में 3 बजे होगा, और उसमें भी एक सांस्कृतिक संध्या का हम लोग प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। सो ये 2 दिवसीय प्रोग्राम है, जो हमारी कृषि मेला है, सरस मेला है, विभागीय प्रदर्शनी है, पुस्तक मेला है, और फूड जोन जो होगा, ये सारे मुझे लगता है 12 से 16 जनवरी तक रहेंगे। आशा करते हैं कि कोविड
संक्रमण से बचाव संबंधी सभी सुझावों को निर्देशों का पालन करते हुए गोरखपुर मंडल और इस पूर्वांचल की जनमानस इस आयोजन का लाभ लेंगे, ज्ञानवर्धन होगा, उनकी जो यहाँ के स्थानीय कलाकार हैं उनको एक मंच हम दे पाएंगे और आप सभी का सहयोग, आप सभी की शुभकामना हम अपील करते हैं उसके लिए, धन्यवाद। देखिए मुख्य कलाकार के बारे में आरटीओ पर्यटन साहब आपको सांस्कृतिक में कौन कौन है उनकी जरा लिस्ट आप बता दें, लेकिन बॉलीवुड से कोई कलाकार इस बार नहीं आ रहा है। जैसा कि हम लोगों ने बताया है कि हमारा मुख्य उद्देश्य स्थानीय कलाकारों को मंच देना है और बॉलीवुड कलाकार के आने से हमारा थोड़ा सा भीड़ और वो सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो इस बार हम प्रयास कर रहे हैं कि बॉलीवुड वाला चैप्टर ना हो बाकी, लेकिन हम जो भी स्थानीय स्तर के कलाकार हैं जो भी बेस्ट आ सकते हैं हम उसका प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपने बताया माननीय पर्यटन मंत्री जी होंगे, उत्तर प्रदेश शासन 12 तारीख को होगा ये।